कि हमारे जीवन का उद्देश्य क्या है, द पर्पज ऑफ लाइफ, मतलब हमारे जीवन का उद्देश्य क्या है, हम क्यों बनाए गए हैं, परमेश्वर ने हमें क्यों बनाया है। आमेन, आमीन, हालेलुया। परमेश्वर हालेलुया। ने हमारे बना, परमेश्वर को जो परमेश्वर ने हम सबको बनाया है, हर किसी को बनाने का उद्देश्य होता है, और बिना उद्देश्य, बिना पर्पस के कोई भी चीज बनाई नहीं जाती मेरे प्रियो। आमेन। लेकिन वो बनाई हुई चीज, जो बनाई गई है, जो चीज वो क्यों बनाई गई है, किस लिए बनाई गई है, और वो क्या, जो उसका कार्य क्या है बनाने, जो उसका कार्य क्या है, वो किस लिए बनाया गया है, उसको जानना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। अगर जो चीज बनी है, अगर बात करेंगे आज हम एक पेंसिल के द्वारा, कई लोगों को मैं इसका उदाहरण, इस चीज से उदाहरण भी दे चुका हूं, और कई बार मैंने कई जगह पे इसके द्वारा मैंने प्रचार भी किया है, तो क्या कारण है जो परमेश्वर ने हमें बनाया है, उसके विषय में हम एक पेंसिल से उदाहरण लेंगे, जो कि हमारे लिए बहुत ही जरूरी समझना है कि हमारा जो पर, हमें जो परमेश्वर ने जो बनाया है, उसका क्या उद्देश्य है। हालेलुया। हालेलुया। तो आज हम यहां पे देख, अगर पेंसिल का जो कार्य है, इस चीज के लिए अगर सोचे कि मैं तो एक साधारण चीज हूं, आमीन, मेरे पास एक पेंसिल है और देखने में बहुत ही ज्यादा, आप लोग को मैं दिखाना चाहता हूं, बहुत ही ज्यादा, मतलब एक पसंदीदा नहीं है, मतलब ये अगर इसको मैं फेंक दूं या कहीं गिर जाए तो शायद ही कोई इसको उठाकर अपने पास रखेगा। दिख रहा है सबको? आमीन, हालेलुया। तो ये देखने में भी इतना अच्छा नहीं है, आप लोग देख सकते हैं इसको, बिल्कुल भी अच्छा नहीं है, ये देखने में बिल्कुल अच्छा नहीं है, मगर इसका बनाने के लिए, इसको बनाने के लिए इसके पीछे कुछ कारण है, कुछ उद्देश्य है इसके लिए। हालेलुया। तो मेरे प्रियो, आज हम इसी विषय में बात करेंगे कि जो हमारे परमेश्वर ने जो उद्देश्य हमारे लिए रखा है, वो उद्देश्य क्या है, क्या उद्देश्य जो हमारे लिए परमेश्वर ने रखा है, उसको हम कैसे जान सकते हैं। तो मेरे प्रियो, मैं आपको बताना चाहता हूं कि जैसा कि हम सब देखते हैं कि पेंसिल के लिए अगर हम देखें तो बहुत सारा काम है। आमीन। पेंसिल के लिए अगर हम देखें तो बहुत सारा काम है, बहुत ज्यादा काम है पेंसिल के लिए। तो यहां पे जो पेंसिल का कार्य है, वो कार्य ऐसा है कि उसको कोई भी, हालेलुया, कोई भी उसको अगर देखे तो बोलेगा पेंसिल जो है एक ऐसी चीज है कि इसके द्वारा हम कुछ भी जीवन में जो कुछ भी लिख सकते हैं, और इसका बहुत ही फायदा है हमारे लिए। आमीन। इसका जो है बहुत ही ज्यादा फायदा है हमारे लिए। तो हम देखेंगे जैसे कि बताया गया है कि पेंसिल का जो क्या है कि एक स्कूल में जो बच्चा पढ़ने जाता है, सबसे पहले तो उसको पेन नहीं दिया जाता है, उसको सबसे पहले पेंसिल ही दिया जाता है। तो जिसने बनाया है, बनाने वालों ने इसको जो बनाया है पेंसिल को, ये सोच के इसको बनाया है कि एक शुरुआत जो होती है वो कैसे होती है जीवन में। तो मेरे प्रियो, आज हम अपने जीवन में जो अपने जीवन को लेकर काफी असमंजस में होंगे, काफी ज्यादा हम ये सोचते होंगे कि हमारे जीवन में जो हमारे लिए क्या उद्देश्य है हमें पता नहीं है, और हम कई बार सोचते हैं हम तो बेकार हैं, हम तो, हमारे लिए कुछ भी हमारे लिए कुछ भी कार्य नहीं है, या मैं तो लोगों के लिए बेकार हूं। कई लोग सोच में सुसाइड कर लेते हैं, कई लोग इसी सोच में अपने जीवन को भी समाप्त कर देते हैं, यानी कि बहुत सारी ऐसी जो प्रक्रिया को हम देखते हैं अपने साधारण जीवन में, तो उसको हमें ऐसे लगता है कि मैं क्यों पैदा हुआ, या क्यों मेरा जन्म हुआ, मैं क्यों इस जगह पे जन्मा, मैं कहीं और जन्मा होता, किसी और घर में जन्मा होता, बहुत सारे सवाल को हम लेकर चलते हैं। लेकिन मेरे प्रियो, आज मैं इस पेंसिल के द्वारा आपको बताता हूं कि जो ये पेंसिल है, हालेलुया, ये तय करता है कि किसके हाथ में होना है। आमीन। अगर एक अनपढ़ के हाथ में होगा ये पेंसिल, तो इसका मूल्य जो है कुछ भी नहीं है, इसका मूल्य कुछ भी नहीं। सब लोग ध्यान से सुन रहे हैं, जो अगर एक अनपढ़ के हाथ में होगा तो इसका मूल्य कुछ भी नहीं है, लेकिन अगर एक पढ़े लिखे के हाथ में होगा, जो पढ़ लिख रहा है उसके हाथ में दे दिया जाएगा, तो इसका जो मूल्य है वो बढ़ जाएगा, इसका जो वैल्यू है वो क्या हो जाएगा,
बढ़ जाएगा मेरे प्रियो। लेकिन अगर यही पेंसिल को मैंने आपको दिखाया कि बहुत ही ज्यादा खराब है ये, रास्ते में फेंक दिया जाए तो शायद ही कोई इसको उठाए। तो सेम सिचुएशन हमारे जीवन को भी ऐसे ही वो करता है। तो हम देखेंगे कि जो ये जिसने इस पेंसिल को बनाया है, हालेलुया, तो जिसने इस पेंसिल को बनाया है इसीलिए बनाया है कि एक ऐसे हाथ में जाए जो कि इसका उपयोग वो कर सके अच्छे से। अगर एक अच्छे हाथ में जाएगा तो बहुत अच्छी चीजें, जैसे अच्छी ड्राइंग बनाएगा, अच्छी चीजों को लिखेगा, अच्छा उसको इस्तेमाल करेगा। ये पेंसिल का जो उद्देश्य ये है मेरे प्रियो। तो अगर यही पेंसिल एक खराब हाथ में चला जाए तो उसका जीवन नष्ट हो जाता है। दो तरह, दो पहलू है इसमें, जैसे कि एक अच्छे हाथ में एक बुरे हाथ में मेरे प्रियो। तो ये पेंसिल को अगर हम अच्छे हाथ में, ये पेंसिल जाएगा तो अच्छा चीज बनाएगा, अच्छा चीज लिखेगा, अच्छी चीजों में इस्तेमाल किया जाएगा। लेकिन अगर यही पेंसिल एक बुरे हाथ में चली गई तो शायद इसका जो वैल्यू है वो कुछ भी नहीं रहेगा। उस इसको क्या करेंगे, तोड़ के फेंक देंगे या कुछ भी कर देंगे, इसका नेट तोड़ देंगे, जो भी इसके अंदर है सब खराब कर देंगे। लेकिन मैं दूसरी बात बताता हूं, और ये पेंसिल का जो कार्य करना करने का तरीका है, ये पेंसिल कैसे कार्य होगा। एक अच्छे हाथ में पहुंच गया तो एक, जब इसको अच्छे हाथ में जब इस्तेमाल करने के लिए, एक इस्तेमाल करने के लिए, तो इस पेंसिल को क्या करते हैं लोग, इस पेंसिल को, दूसरी बात जो है, इस पेंसिल को क्या करते हैं, इसको अच्छा नोकीला बनाते हैं, शार्प करते हैं इसको। किससे शार्प करते हैं, एक शॉर्पनर से। इसको क्या करते हैं, एक शॉर्पनर में डालकर इसको क्या करते हैं, अच्छे से इसको लिखने लायक बनाते हैं। अगर ये शॉर्पनर में ना डाला जाए मेरे प्रियो तो ये इस्तेमाल होने के लिए लायक नहीं होगा। सेम थिंग लाइक हमारे जीवन में भी हमें बनाने वाला जो हमारा है वो है परमेश्वर मेरे प्रियो। हमारा बनाने वाला है हमारा परमेश्वर, और हम उसके हाथों के लिए, हम उसके हाथों के द्वारा बनाए गए एक उद्देश्य के लिए मेरे प्रियो। आमेन। एक उद्देश्य के लिए हम सब बनाए गए हैं। और सेम ठीक ऐसे ही अगर हम एक अच्छे जो बनाने वाले के हाथ में हम हैं और उसके हाथ में ही रहेंगे तो हमारे जिंदगी में हमारे उद्देश्य के साथ हम चलेंगे, नहीं तो हमारा उद्देश्य जो है वो उस उद्देश्य से हम अलग हट जाएंगे। तो जब तक आप इस पेंसिल को शार्प नहीं करेंगे, जब तक वो बना, जब यूज करने वाला जब इस पेंसिल को जब तक शार्प नहीं करेगा मेरे प्रियो, तब तक ये इस्तेमाल नहीं हो सकता। आप देख सकते हैं कि ये इस्तेमाल के योग्य हो चुका है मेरे प्रियो। हालेलुया, हालेलुया। ऐसे ही हालेलुया परमेश्वर हमारे जीवन में क्या करता है, हमें शार्प करता है, हमें परमेश्वर बनाने बनाता है, हमें हमें उस योग्य बनाता है कि हम जिस उद्देश्य के लिए बने हैं उसके लिए हम इस्तेमाल हो सके मेरे प्रियो। मैं ज्यादा लंबा इसको नहीं बताऊंगा, शॉर्ट में आपको बताऊंगा। और तीसरी बात जो है, इस पेंसिल के अंदर आप देख रहे होंगे जो काला जो कलर का जो इसके अंदर नीडल है इसके अंदर, हालेलुया, ब्लैक कलर का जो लीड है इसके अंदर जिससे हम लिखते हैं, ये ऊपर वाले से हम नहीं लिखते हैं, ये जो अंदर है जो इसके उससे हम लिखते हैं मेरे प्रियो। हालेलुया, हालेलुया। और अगर यही चीज हम बाइबल में देखते हैं तो पहला सैमुअल 16 के साथ में हम देखेंगे कि इसके पहला सैमुअल और 16 के साथ में हम निकालेंगे बाइबल के अंदर। अपने बाइबल को सब लोग निकाल लीजिए, पहला सैमुअल उसका 16 का 7। हालेलुया। हालेलुया तो हम देखते हैं कि जैसे ये पेंसिल के अंदर जो चीज है, ऐसे ही ये पेंसिल साधारण है और ये सोच सकता है कि अरे ये मैं तो, मेरे अंदर तो बहुत मतलब मामूली चीज है, मैं इससे क्या, ये तो जब मर्जी टूट जाती है, जब मर्जी बेकार हो जाती है, इसका क्या एक वैल्यू है, क्या है मेरे जीवन में ये पेंसिल। अगर सोचे तो एक बहुत ही अनोखी बात हम देखते हैं इसके अंदर। मगर जब ये पेंसिल, मैंने आपको बताया, जब ये शार्प होके एक अच्छा, जब इस्तेमाल के लिए जब ये बनाई जाती है और जब इसके अंदर एक ब्लैक कलर का जो लीड निकल के आता है, हम जब उसे देखते हैं, हालेलुया, हम पढ़ेंगे 16 का 7। परंतु यहोवा ने शमूएल से कहा, ना तो उसके रूप पर दृष्टि कर और ना उसके कद की ऊंचाई पर, क्योंकि मैंने उसे
अयोग्य जाना है, क्योंकि यहोवा का देखना मनुष्य का सा नहीं है। मनुष्य तो बाहर का रूप देखता है, परंतु यहोवा की दृष्टि मन पर रहती है। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। मेरे प्रियो, बाइबल हमें बताती है, सैमुअल, पहला सैमुअल 16 के 7 में लिखा है, बहुत ही अच्छा सुंदर वचन है। आप लोग इसको जब पढ़ेंगे तो सच में आपको लगेगा कि मेरे जीवन में एक मकसद है, और परमेश्वर मेरे जीवन में, जब परमेश्वर ने मुझे बनाया उसके लिए मैं एक उद्देश्य से बनाया गया हूँ, और परमेश्वर मेरे रंग रूप को, मेरे काट कद को, मेरे लंबाई चौड़ाई को, या मेरे अंदर मेरे जो दिखने वाले टैलेंट को परमेश्वर नहीं देखता है। मेरे प्रियो, शायद हम साधारण हो सकते हैं, शायद हम देखने में भद्दे हो सकते हैं, शायद हम देखने में किसी के लिए काम योग्य नहीं हो सकते मेरे प्रियो, मगर जो हमारे अंदर जो छुपी हुई एक टैलेंट है हमारे अंदर, हर लोगों के अंदर है, क्योंकि वो बनाए गए हैं इसी उद्देश्य के लिए, क्योंकि उनके जिसने बनाया है उनको, वो बनाने वाला जानता है कि ये किस चीज के लिए उपयोगी हो सकता है। तो शायद ये पेंसिल भी सोच सकता है, अरे मैं तो बेकार हूं, मेरे मुझे तो अगर मैं पड़ा रहूंगा तो कोई मुझे उठाएगा नहीं, कोई मुझे देखेगा नहीं, मैं साधारण हूं। आमीन, हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। सुन पा रहे हैं सब लोग? आमीन, आमीन। तो पेंसिल के लिए एक ऐसा ही कार्य है। तो यहाँ सैमुअल को परमेश्वर सैमुअल से कहता है, परंतु सैमुअल से यहोवा ने कहा, ना तो उसके रूप पर दृष्टि कर, ना उसके कद की ऊंचाई पर, क्योंकि मैंने उसे अयोग्य जाना है। हालेलुया, क्योंकि यहोवा का देखना मनुष्य का सा नहीं है। मेरे प्रियो, जिसने आपको बनाया है वो आपको किस नजरिए से देखता है, मायने ये रखता है। आपको कौन कैसे देखता है मायने ये नहीं रखता है। दुनिया में हर लोग अपने तरीके से लोगों को देखते हैं, मायने वो नहीं रखता है, मायने ये रखता है कि जिसने आपको बनाया है, जिसने आपको इस दुनिया में भेजा है, वो आपको किस नजरिए से देखता है। आमीन, हालेलुया। तो यहाँ पे लिखा है कि क्योंकि यहोवा का देखना मनुष्य सा नहीं है, मनुष्य तो बाहर का रूप देखता है, परंतु यहोवा की दृष्टि मन पर रहती है, अंदर की चीजें जो है यहोवा उस पे देखता है। मेरे प्रियो, हालेलुया, हालेलुया। ये जो लीड है ये देखने में साधारण हो सकती है, लोगों को ये लीड जो वो लोग नहीं देखते हैं कि ये कितनी इसके लिए कितना जरूरी है। जब हम इस लीड को जब हम देखते हैं तो हमें लगता है शायद ये साधारण हो सकता है, मगर मेरे प्रियो, साधारण चीज जो कि मनुष्य के नजर में साधारण है, परमेश्वर के नजर में वो वही चीज इस्तेमाल की योग्य है। मेरे प्रियो, हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। तो आइए हम जब इसमें देखते हैं कि जैसा कि हमने देखा कि मनुष्य कैसे देखता है, कैसे सोचता है, और कैसे वो हमारे विषय में अपने मनो को रखता है। मेरे प्रियो, तो ये बहुत ही मुख्य चीज है, और जैसा इस पेंसिल के अंदर वाली चीज, ऐसे ही हमारे अंदर कुछ ना कुछ खूबी छुपी हुई है। मेरे प्रियो, हमारे अंदर जो खूबी छुपी हुई है वो खूबी को परमेश्वर भली भांति जानता है, और वो जानता है उसे कैसे इस्तेमाल करना है। बस आपको ये चाहिए कि आपको जिसे सौंपना है, अपने आप को जिसके हाथों में देना है, आप उसको भली भांति से जानना है, आप उसको ये जानना है कि सच में जिसने मुझे जो इस्तेमाल मुझे कर रहा है वो मुझे किस तरह से इस्तेमाल कर रहा है। गलत हाथों में अगर आप जाएंगे तो आपके जीवन में मुश्किलें आ सकती है। मेरे प्रियो, वो टूट सकता है, बेकार हो सकता है, फेंका जा सकता है। हालेलुया, हालेलुया। इसलिए हम जब परमेश्वर के हाथ में, और चौथी चीज जो है, हम जब परमेश्वर के हाथ में अपने आप को छोड़ देते हैं मेरे प्रियो, तब वो जिस तरह से चाहता है हमें, उस तरह से वो क्या करता है, बनाता है, और जिस तरह से हमें वो चाहे उस तरह से हमें वो करता है। और पेंसिल की एक अच्छी खासियत आप जानते हैं क्या है, जो कुछ भी लिखता है, अगर ये गलत भी लिखा जा सकता लिखा जाए तो इसको इरेजर से मिटा भी सकते हैं, इसको उसको साफ भी कर सकते हैं हम। आमीन, हालेलुया। अगर हम इसको पेंसिल से अगर मिस्टेक भी कर देते हैं, कुछ गलत लिख देते हैं, तो तुरंत हम इस इरेजर से हम क्या करते हैं, इसको रिमूव कर सकते हैं वहां से, उसको हम मिटा सकते हैं वहां से। हालेलुया, बहुत बड़ी खासियत है। इसलिए अगर हम परमेश्वर के हाथों में अपने आप को देते हैं, अगर मिस्टेक भी होता है हमारी, हमसे गलती भी होती है, तो हम कभी भी उसमें अपने आप को गिल्ट ना फील करें अपने आप को। परमेश्वर जानता है कि मनुष्य है। आमीन, हालेलुया,
मनुष्य, हमसे गलतियां हो सकती हैं, तो परमेश्वर के हाथ में जब देते हैं तो हमारे जीवन में जो परमेश्वर का उद्देश्य है वो पूरा होता है मेरे प्रियो। जैसे इस पेंसिल का उद्देश्य पूरा होता है, अगर हमारा जो अंदरी के जो अंदर का जो रूप है मेरे प्रियो, और हम उसी तरीके से अगर जैसे परमेश्वर चाहता है हम इस्तेमाल होते हैं, तो वो बहुत ही अच्छे तरीके से परमेश्वर हमें बनाता है और हमारे और जीवन में वो कार्य करता है। क्योंकि हम जो इस पेंसिल से अगर कोई चीज़ बनाए, बनाने वाला अच्छा है तो बहुत ही सुंदर वो हर चीज़ को बना देगा। आमीन। ऐसे ही हम जानना है इस पेंसिल की तरह कि हमारे जीवन में परमेश्वर का उद्देश्य क्या है। तो पहली बात हम देखेंगे, ये हमने उदाहरण जो लिया, और हम पहली बात देखेंगे कि हमारे जीवन में जो उद्देश्य है वो क्या है। हम जानते हैं कि हम पहला जो पॉइंट है हमारा, हम जानते हैं कि हम परमेश्वर के द्वारा बनाए गए हैं और उसकी महिमा के लिए बनाए गए हैं। आमीन। कितने लोग ये जानते हैं कि परमेश्वर ने हमको अपनी महिमा की, हमारे जो जीवन का उद्देश्य मैं आपको बता रहा हूं, आपके और मेरे जीवन का उद्देश्य क्या है मैं आपको बता रहा हूं मेरे प्रियो। हमारे जीवन का उद्देश्य ये नहीं है कि जैसा कि आज जैसे हम जीवन जी रहे हैं मेरे प्रियो, हमारे जीवन का उद्देश्य मैं आपको बता रहा हूँ। अब अपने बाइबल में यशाया उसका 43:7 देख लीजिए, आपके बाइबल में यशाया 43:7 निकाल लीजिए आप सब लोग। यशाया 43:7 निकाल लिया आप सबने, हम उसको पढ़ेंगे कि हमारा उद्देश्य क्या है, परमेश्वर ने हमें क्यों बनाया है। हर एक को जो मेरा कहलाता है, जिसको मैंने अपनी महिमा के लिए सृजा, उसको मैंने रचा और बनाया है। आमीन। हालेलुया। हालेलुया। 43 का उसका 7 पढ़ेंगे। 43 का 7 दोबारा पढ़ेंगे क्या लिखा है। हर एक को जो मेरा कहलाता है, जिसको मैंने अपनी महिमा के लिए सृजा, जिसको मैंने रचा और बनाया है। हालेलुया। हालेलुया। मेरे प्रियो, हमें हम सबसे पहले जानना है कि हमें किसने बनाया है। सबसे पहले हम ये चीज जानना है, और हम ये सब चीज जानते हैं, हम सब जानते हैं कि हमें किसने बनाया। अगर मैं आपसे पूछूं कि आपको किसने बनाया, तो आप तुरंत बोलोगे कि मुझे परमेश्वर ने बनाया है। आमीन। मुझे परमेश्वर ने बनाया। लेकिन मैं आपको अगर ये पूछूं कि आपको किस लिए परमेश्वर ने बनाया है, तो आप बहुत सारी बातों को बोलोगे, बहुत सारी चीजों को आप एक्सप्लेन करोगे, लेकिन मैं आपको एक ही चीज बताना चाहता हूं कि परमेश्वर ने आपको क्यों बनाया है। और वो 43:7 में लिखा है कि हर एक को जो मेरा कहलाता है और जिसको मैंने अपनी महिमा के लिए, किस लिए परमेश्वर ने आपको बनाया है, अपनी महिमा के लिए। इस चीज को आप याद रखिए कि और आप किसी चीज के लिए नहीं बने हैं मेरे प्रियो, और आप किसी चीज के लिए बनाए नहीं गए हैं मेरे प्रियो। हालेलुया। हालेलुया। आप किसी चीज के लिए नहीं बनाए गए। अगर जिस चीज के लिए आप बनाए गए उसी में आप बने रहेंगे, उसी में आप चलेंगे, तो बहुत आशीषित होंगे। लेकिन अगर उसके विपरीत जाएंगे तो मुश्किलें आपके जीवन में आएंगी। मैं आपको एक और उदाहरण देना चाहता हूं। अगर हम देखते हैं कि एक गिटार को बनाने वाले ने जो एक गिटार को बनाया है, हालेलुया, सब जानते हैं ये गिटार किस लिए बनाया गया है, ये गिटार किस लिए बना है। आमीन। हालेलुया। और ये गिटार भी जब मैं एक दुकान से खरीद कर लाया, और मैं इस गिटार को शायद दुकान वाले ने सोचा होगा कि बजाने के लिए लेकर जा रहा है, और जब मैं गिटार को लेकर आया और मैं इस गिटार से क्या करूं, हालेलुया, मैं इसको इस गिटार को तीर कमान के लिए इस्तेमाल करूं। आमीन। हालेलुया। इस गिटार को मैं तीर कमान के लिए इस्तेमाल करूं, तीर मारने के लिए, छोड़ने के लिए मैं इस गिटार को क्या करूं, इस्तेमाल करूं, ये हो सकता है? हालेलुया। नहीं, ये नहीं हो सकता है। तो ये गिटार को मैं, अगर मुझे नहीं पता है कि ये गिटार किस लिए है, क्या उद्देश्य है इसके लिए, तो मैं क्या करूंगा, इसको तीर कमान के लिए इस्तेमाल करूंगा। जब काम नहीं करेगा तो मैं दुकान वाले के पास फिर से जाऊंगा, बोलूंगा भैया ये गिटार से तो तीर चलता ही नहीं है। आमीन। इस गिटार से तो तीर ही नहीं चलता है, कैसे आपने दे दिया है? तो दुकान वाला क्या बोलेगा, हंसेगा मेरे ऊपर, बोलेगा लगता है ये कुछ पागल है, क्योंकि इसको पता नहीं है गिटार क्या काम आता है। आमीन। हालेलुया। तो मेरे प्रियो, वो कोई काम का नहीं है जब मुझे पता नहीं है। तो परमेश्वर ने मुझे बनाया, हमने देखा कि यशाया 43:7 कि परमेश्वर ने हमें बनाया है, परमेश्वर ने इसलिए कि हम उसकी महिमा करें, उसके
उपासना करें, उसके नाम को ऊंचा करें। इस दुनिया में हर एक लोगों को बनाया है परमेश्वर ने, ये पृथ्वी को में रहने वाले हर एक लोगों को परमेश्वर ने इसलिए बनाया। लेकिन आज लोग अपने 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 उस उद्देश्य से भटक गए हैं मेरे प्रियो, उस उद्देश्य से हट गए हैं मेरे प्रियो, क्योंकि आप चुने हुए हैं, पहले से ठहराए हुए हैं। हालेलुया, पहले से आपके लिए जो आप जिस लिए चुने गए हैं, जिस लिए बनाए गए हैं, जिस लिए आपको परमेश्वर ने चुना है, वो सब आपके लिए तय किया गया है पहले से। उसमें कोई भी मिक्सअप आप नहीं कर सकते। अगर कोई भी मिक्सअप करना आप चाहेंगे, उसके अंदर कोई भी मिलावट करना चाहेंगे मेरे प्रियो, तो उसमें बहुत ही ज्यादा मुश्किल हो जाएगा। अगर एक मोबाइल भी अगर एक कंपनी बना के देती है, आप सोचो उस मोबाइल के अंदर मैं कुछ और मिक्स कर दूं तो शायद वो खराब हो सकता है, उसका कोई कार्य नहीं रहेगा मेरे प्रियो। हालेलुया, हालेलुया। और जैसा कि आज के समय के लोग कहते हैं, हम जब आज के समय के लोगों को देखते हैं, वो ज्यादा अपने आप को क्या सोचते हैं, मैं बहुत ही ज्यादा एडवांस हूँ, बहुत ही ज्यादा बुद्धिमान हूँ, और जब किसी से बात करेंगे तो वो आपको बताएंगे आई हैव अ प्लान, मेरे पास कोई योजना है। कोई कहेगा मेरे पास एक मेरे लाइफ को सेटल करने के लिए एक योजना है, मैं एक सेटल होना चाहता हूँ, मैं ये होना चाहता हूँ, मैं वो होना चाहता हूँ, मैं ऐसे होना चाहता हूँ, मैं दुनिया में ये करना चाहता हूँ, वो करना चाहता हूँ। मगर उनका उद्देश्य किस लिए, परमेश्वर ने किस उद्देश्य से उनको बनाया है? अपनी महिमा के लिए। हालेलुया, जो कि स्वर्ग दूतों को परमेश्वर ने इतना प्रेम नहीं किया जितना हमें और आपको परमेश्वर ने प्रेम किया, इस जगत के लोगों को जितना परमेश्वर ने प्रेम किया। तो आजकल के लोगों के लिए एक यही उद्देश्य है, वो अपने आप को वो सोचते हैं कि मैं जो भी मेरे जीवन में मैं करना चाहता हूँ वो बहुत ही बखूबी से मैं जानता हूँ और मैं उसको प्लान कर रहा हूँ। लेकिन उनको नहीं पता है कि जो मैं प्लान कर रहा हूँ, शायद कल वो प्लान जो मैंने किया है उसके लिए मैं बचूं या ना बचूं मेरे प्रियो। हालेलुया, आज हम देख रहे हैं COVID-19, इसको जब आप देख रहे हैं, कई लोगों का प्लान चौपट हो गया, कई लोगों का प्लान खत्म हो गया, कई लोग नीचे आ गए, कई बड़े बड़े हस्ती आज नीचे आ गई हैं। क्यों? क्योंकि एक ही प्लान है जो हमारा परमेश्वर बनाता है, उस प्लान से कोई भी उसके बीच में और कुछ नहीं कर सकता। जो वो सोचता है, जो चाहता है, वही करता है, और जिस उद्देश्य के लिए उसने बनाया है उसी उद्देश्य को मनुष्य पूरा नहीं करेगा तो बहुत ज्यादा गड़बड़ हो जाता है मेरे प्रियो। हालेलुया। और दूसरी बात है, जो परमेश्वर ने आपको एक उद्देश्य के लिए, जिस उद्देश्य के लिए परमेश्वर ने हमें बनाया है मेरे प्रियो, वो उद्देश्य हम परमेश्वर की महिमा करें। आमीन, हालेलुया, उसकी महिमा करें हम, जो उद्देश्य के लिए उसकी आराधना करें हम। आमीन, हालेलुया। सब लोग ध्यान से सुन रहे हैं, हालेलुया। तो उसकी महिमा करने के लिए परमेश्वर ने क्या किया, हमें बनाया है। आपको पता है 24 घंटा स्वर्ग दूत परमेश्वर की महिमा करते हैं, 24 घंटा पवित्र पवित्र करके और परमेश्वर की महिमा करते हैं, बड़ाई करते हैं। आमीन, हमें परमेश्वर ने अपने जैसा बनाया, अपने साथ रहने के लिए बनाया, अपने अकेलेपन को मिटाने के लिए बनाया, हमसे बातचीत करने के लिए बनाया, हम उसकी महिमा करने के लिए, उसकी आराधना करने के लिए बनाया। लेकिन आज हम किस उद्देश्य पे चल रहे हैं, आप सोच के देखिए एक बार, क्या हम परमेश्वर के उद्देश्य पे चल रहे हैं? कि क्या आज हम अपनी योजनाओं को बना के चल रहे हैं? क्या आज हम अपनी फेम के पीछे चल रहे हैं? क्या आज हम अपने एक झंडा खड़ा करने के पीछे चल रहे हैं? मैं हूं इस दुनिया में, हालेलुया, मैं एक अच्छा लीडर हूं, मैं एक अच्छा पासवान हूं, मैं एक अच्छा परमेश्वर का दास हूं, मैं एक अच्छा प्रचारक हूं, मैं एक अच्छा सिखाने वाला हूं? नहीं, अच्छा केवल वही है जिसने हमें बनाया है मेरे प्रियो, और उसके अलावा कोई भी अच्छा नहीं है, उसके अलावा कोई भी परफेक्ट नहीं है मेरे प्रियो। आमीन, हालेलुया, कोई भी परफेक्ट नहीं है उसके अलावा। तो हम सब देखते हैं जैसे कि परमेश्वर का उद्देश्य हमें उसकी आराधना करने के लिए, भजन संहिता 86:9 हम खोलेंगे, सब लोग देख लेंगे जल्दी से जल्दी, फटाफट अपने बाइबल में देख लेंगे भजन संहिता 86 उसका 9 वर्स, चैप्टर 86 9 वर्स को हम देखेंगे किस लिए क्या लिखा हुआ है। हे प्रभु, जितनी जातियों को तूने बनाया है सब आकर तेरे सामने दंडवत करेंगे और तेरा नाम ही महिमा करेंगे। आमीन, हालेलुया। लिखा है कि हे प्रभु, जितनी जातियों को तूने बनाया सब आकर तेरे सामने दंडवत करेंगे
और तेरे नाम की महिमा करेंगी। जितनी जातियों को बनाया, एक लोगों को नहीं। यहां जो आज दुनिया में लोग कहते हैं कि वो तो ईसाइयों का परमेश्वर है, अंग्रेजों का परमेश्वर है, मैं आपको बताना चाहता हूँ वो सब जातियों का परमेश्वर है, सब कुल के लोगों का परमेश्वर है वो, और एक ही इकलौता परमेश्वर है, और उसके सिवा और कोई परमेश्वर नहीं है मेरे प्रियो। और उसका उद्देश्य यही, इसलिए उसने बनाया है कि हम सब उसकी महिमा करें, हम सब उसके नाम को ऊंचा करें, हम सब उसके नाम को अपने होठों से स्तुति करें। और कोई उद्देश्य नहीं है उसका बनाने का, हालेलुया, और कोई उद्देश्य नहीं है मेरे प्रियो उसको हमें बनाने का कि हम आज बड़ी बड़ी इमारतें बनाए, बड़ी बड़ी, ये सब हमारी सेकेंडरी चीज है मेरे प्रियो। ये हमारी दूसरा, जो हमारे लिए जीवन में जो दूसरा स्टेप है हमारे लिए, दूसरा हमारे हमारे लिए दूसरा जो भाग है करने के लिए, लेकिन पहला स्टेप जो हमारे लिए है वो है कि हम उसकी जो आराधना करें, उसकी महिमा करें। आमेन, हालेलुया, हालेलुया, उसकी महिमा करें। ये दूसरा स्टेप हमारे लिए है कि हम जो बाकी चीज अपने जीवन में करें वो हमारे हमारे लिए दूसरा स्टेप है मेरे प्रियो। जो पहला हमारे लिए उद्देश्य है परमेश्वर का कि हम उसकी महिमा करें, उसकी आराधना करें। भजन संहिता हम 86:12 में भी पढ़ेंगे, 86:12 में पढ़ेंगे क्या लिखा हुआ है। हे प्रभु, हे मेरे परमेश्वर, मैं अपने संपूर्ण मन से तेरा धन्यवाद करूंगा और तेरे नाम की महिमा सदा रहूंगा। आमीन, हालेलुया। लिखा है, हे प्रभु, हे पर मेरे परमेश्वर, मैं अपने संपूर्ण मन से तेरा धन्यवाद करूंगा और तेरे नाम की महिमा सदा करता रहूंगा। एक दिन के लिए नहीं है मेरे प्रियो, एक समय के लिए नहीं है, एक क्षण के लिए नहीं है। अमेन, हालेलुया, उसकी महिमा सदा करने के लिए परमेश्वर ने बनाया है। जब तक इस पृथ्वी में, इस जगह पे हम जीवित हैं, तब तक परमेश्वर ने हमें उसकी महिमा करने के लिए बनाया है। चाहे कोई भी परिस्थिति हमारे जीवन में आ जाए, चाहे कोई भी स्थिति हमारे जीवन में आ जाए मेरे प्रियो, परमेश्वर चाहता है कि उसकी महिमा हम हर हालत में करें, और उसी उद्देश्य के लिए हम बनाए गए हैं मेरे प्रियो। भले ही कोई सोचे कि मैं तो करोड़पति, मैं तो लखपति, मैं अरबपति, या मेरे लिए ये करने के लिए मैं बनाया गया हूं, मैं वो करने के लिए, मैं इंजीनियर बनने के लिए मैं बनाया गया हूं, मैं डॉक्टर बनने के लिए बनाया गया हूं, आपके लिए वो सेकेंडरी है। जो पहला आपके लिए है वो परमेश्वर की महिमा करने के लिए आप बनाए गए हो। आमीन, हालेलुया, इसलिए आप बनाए गए हो, उससे बातचीत करने के लिए बनाए गए हो मेरे प्रियो। और हम जब देखते हैं तीसरे जो विषय में देखते, तीसरे जो पॉइंट में देखते हैं कि हम जो बनाए गए हैं मेरे प्रियो, हम जो इसलिए हम बनाए गए हैं कि हम परमेश्वर की आत्मा में और वो फल में हम आगे बढ़ें। आमीन, परमेश्वर की आत्मा में और उस फल में हम आगे बढ़ें, और हमारा जो चरित्र है उसकी आत्मा में हम उसकी और उसके जो उस फल में हम बढ़ते जाएं। और उसका फल क्या क्या चीज है, वो आत्मा का फल क्या क्या चीज है, हम बाइबल में पढ़ते हैं आत्मा के फल के विषय में, वो हमारे अंदर होना चाहिए मेरे प्रियो। इसलिए परमेश्वर ने उस फल के विषय में हमें लिखा है कि हमारे अंदर वो फल होना जरूरी है। परमेश्वर ने वो चीजें हमारे, हम गलातियों की पुस्तक 5 अध्याय निकालेंगे, गलातियों की पुस्तक नए नियम में सब लोग निकाल लेंगे 5 अध्याय। हालेलुया, निकाल लिया सबने, 5 अध्याय उसका हम पढ़ेंगे 22-23 वचन। पर आत्मा का फल प्रेम, आनंद, शांति, धीरज, कृपा, भलाई, विश्वास, नम्रता और संयम है। ऐसे कामों के विरोध में कोई भी व्यवस्था नहीं। आमीन, हालेलुया, मेरे प्रियो, बहुत ही एक सुंदर रीति से परमेश्वर ने देखिए वचन में लिखा है। और वचन मनुष्य के उद्देश्य के लिए कि मनुष्य के अंदर ऐसी ऐसी चीजें होनी चाहिए, मैंने ऐसी ऐसी चीजें मनुष्य के अंदर डाली है। वो क्या है कि जो परमेश्वर ने जो दिया है हमें, जो एक फल दिया है, जो फ्रूट दिया है, जैसे कि हम कहते हैं जब भी पढ़ते हैं 9 फल जो हम पढ़ते हैं, इसके अंदर लिखा हुआ है कि आत्मा का फल जो है प्रेम है। और वो प्रेम बाइबल में भी हमें बताया गया कि प्रेम ही परमेश्वर है। और आत्मा का फल आनंद है। क्या आज हमारे अंदर प्रेम है, क्या आज हमारे अंदर आनंद है? और आत्मा का फल शांति है, क्या आपके अंदर शांति है? नहीं, आज शांति लोग ढूंढने के लिए क्या क्या करते हैं मेरे प्रियो, आप देखोगे मनोरंजन के लिए टीवी देखते हैं और कई गलत गलत जो चीजें देखते हैं
टीवी के अंदर जो, और कई लोग गलत गलत संगति करते हैं, गलत गलत कार्य करते हैं, कई लोग ड्रग्स लेते हैं, क्यों? क्योंकि वो शांति पाएं। कई लोग इंजेक्शन लगाते हैं। दुनिया में बहुत सारी चीज़ों को जो आज हो रही है वो किस लिए? केवल थोड़ी खुशी के लिए, थोड़ी शांति के लिए, थोड़ा सा प्रेम पाने के लिए लोग ऐसा ऐसा कार्य कर रहे हैं मेरे प्रियो। और धीरज आत्मा का फल है, कृपा है लोगों के ऊपर कृपा करने के लिए। लेकिन आज कृपा नाम की चीज ही नहीं है, धीरज नाम की चीज नहीं है। जो लोग को चाहिए कोई भी चीज, जल्दी चाहिए, तुरंत चाहिए, परमेश्वर का उद्देश्य ये नहीं है मेरे प्रियो। परमेश्वर ने इसलिए हमें नहीं बनाया है, उसने बनाने का उद्देश्य है कि हमें इसलिए ये सब परमेश्वर ने दिया है कि इंसान के अंदर मैंने ये सब चीज डाला है, और ये होना भी चाहिए उनके अंदर। कोई चीज जल्दबाजी में नहीं मिलता मेरे प्रियो। और लिखा है बाइबल के अंदर कि भलाई, आमीन, हालेलुया। मैंने कल भी इस विषय में बात किया था, भलाई के विषय में हम बहुत ही ज्यादा सतर्क होना है कि जैसे तुम चाहते हो करो, तुम्हारे साथ किया जाए, वैसे तुम दूसरों के साथ करना है तुम, हालेलुया। अगर तुम किसी से आदर चाहते हो तो पहला तुम्हें पहल करना पड़ेगा मेरे प्रियो। तो आत्मा का फल जो कि परमेश्वर ने हमें बनाया, हमारे अंदर बनाया है, तो ये आत्मा का फल है। और विश्वास परमेश्वर पे, हमारे परमेश्वर पे हमें विश्वास करना है कि वो हमारे बनाने वाला है, उसका उद्देश्य हमारे लिए ये है मेरे प्रियो। और नम्रता और संयम, नम्रता, नम्र होना, नम्रता किसे कहते हैं मेरे प्रियो, संयम किसे कहते हैं, ये सब चीजें बहुत ही ज्यादा एक इंसान के लिए बहुत ही ज्यादा जरूरी है। और ये सब परमेश्वर ने एक उद्देश्य के साथ डाला था इंसान के अंदर, लेकिन धीरे 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 इंसान सब अपनी योजना, अपनी खोज, अपना प्लान, अपना 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 चीज करते 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 और परमेश्वर के उद्देश्य से वो चला गया, दूर चला गया मेरे प्रियो, बहुत दूर चला गया परमेश्वर के उद्देश्य। आज दुनिया, आज पृथ्वी को हम देखते हैं किस स्थिति में पड़ी है, किस स्थिति में पड़ी है, क्यों ये इस स्थिति में पड़ी है? क्योंकि हमने गिटार की जगह पे उसको तीर कमान चलाने के लिए सोचा। आमीन। क्योंकि हमने जीवन को महिमा करने से नहीं, हम जीवन को कुछ और करने के लिए, हम इस्तेमाल करने के लिए हम सोचने लगे और उसे करने लगे। और देखिए क्या स्थिति हो गई। आज इंसान अपने शारीरिक दशा में एक बच्चे को भी देखेंगे, उसके अंदर कोई ना कोई बीमारी पाई जाती। परमेश्वर ने नहीं दिया था, जब परमेश्वर ने बनाया था बीमारी नहीं दिया था मेरे प्रियो। परमेश्वर ने हमें जीवन दिया था, आशीष दिया था। आदम को परमेश्वर ने खुशियां दिया था, सबके ऊपर अधिकार दिया था, सब कुछ दिया था जो इस पृथ्वी के अंदर परमेश्वर ने रखा था, सब कुछ उसको दे दिया था। यहां तक कि जो जानवरों को परमेश्वर ने बनाया था उनका नाम रखने के लिए भी परमेश्वर ने आदम को दिया था। हालेलुया। एक बच्चे घर में जब जन्म लेते हैं तो नाम कौन रखता है? वही जिसको अधिकार होता है, जो अधिकारी होते हैं, और कोई बाहर वाला जाके उसका नाम नहीं रखता है। तो आदम को सब कुछ दिया गया था, लेकिन उसका उद्देश्य परमेश्वर का बनाने का यही था कि मनुष्य राज करे और शांति के साथ रहे, प्रेम के साथ रहे, धीरज के साथ रहे, संयम के साथ रहे, विश्वास के साथ रहे। हालेलुया। कृपा करे, भलाई करे, लोगों के साथ मिलजुल के रहे। लेकिन सब कुछ आज खत्म हो गया। आमीन। हालेलुया। सब कुछ आज जीवन का जो उद्देश्य है इंसान भूल गया, और आज वही वही चीज के गड़बड़ी के कारण आज हम COVID-19 को देख रहे हैं इस दुनिया में, इस महामारी को देख रहे हैं मेरे प्रियो। और कोई अभी पता नहीं है कि आप कब तक अंदर बैठोगे, क्योंकि ये बंद होने वाला नहीं है जल्दी, ये खत्म होने वाला नहीं है मेरे प्रियो। क्योंकि मनुष्य अपने अपने उद्देश्य पे चल रहा है, परमेश्वर का उद्देश्य भूल गया है मेरे प्रियो। बहुत ही सीरियस बात है ये, बहुत ही ज्यादा सीरियस बात है। हालेलुया। हालेलुया। और हम देखते हैं हम जो बनाए गए हैं परमेश्वर के सुसमाचार को, परमेश्वर के बारे में बताने के लिए हम बनाए गए हैं। कितने लोग परमेश्वर के बारे में लोगों को बताते हैं, कितने लोग परमेश्वर के सुसमाचार को परमेश्वर के बारे में लोगों तक पहुंचाते हैं, जो लोग नहीं जानते हैं। कितने लोग डरते हैं किसी को बताने से कि मैं यीशु मसीह को फॉलो करता हूं, ऐसा कितने लोग हैं मेरे प्रियो। हालेलुया। परमेश्वर ने इसलिए आपको बताया कि आप जाकर बताओ कि परमेश्वर कौन है, जिसने आपको बनाया है वो कौन है। अगर कोई नहीं जानता तो उसे बताओ जाकर, इसलिए हम बनाए गए। हालेलुया।
इसलिए परमेश्वर ने हमें बनाया। हम भजन संहिता 96 के 3 में हम देखेंगे, भजन संहिता 96 के 3 में देखेंगे क्या अन्य जातियों में उसकी महिमा का और देश देश के लोगों में उसके आश्चर्य कर्मों का वर्णन करो। आमीन, हालेलुया। मेरे प्रियो, ये हमारा काम है। परमेश्वर कहता अन्य जातियों में जाओ, हालेलुया, और उसके महिमा का, उसकी जिसने लोगों में उसके आश्चर्य कर्मों, उनको बताओ कि परमेश्वर ने उनको क्यों बनाया है। उनको जाकर बताओ कि उनका उनको परमेश्वर ने किस उद्देश्य से बनाया है। उनको जाकर बैठकर एंटरटेनमेंट करने के लिए नहीं, ड्रग्स लेने के लिए नहीं बनाया है इस शरीर को। परमेश्वर ने इस शरीर को इसलिए नहीं बनाया कि आप अल्कोहल लो, आप सिगरेट पियो, गुटखा खाओ, आप दारू पियो, जो भी आपके मन में आए करो। परमेश्वर ने इसलिए नहीं बनाया। इस शरीर को परमेश्वर ने इसलिए बनाया है कि इस शरीर के द्वारा उसकी महिमा हो सके। चाहे जैसे भी हो, आप साधारण हो, असाधारण हो, आप ऊंचे हो, नीचे हो, कैसे भी हो, फर्क नहीं पड़ता। वो परमेश्वर के लिए फर्क नहीं पड़ता, वो इंसानों के लिए फर्क पड़ता है। तुम नीचे जाति के हो, ऊंची जाति के हो, वो ये है, वो ये, वो इंसान के लिए फर्क पड़ता है, परमेश्वर के लिए नहीं फर्क पड़ता है। उसने आपको बनाया है उद्देश्य के साथ कि आप उसकी महिमा करो, बस, और किसी चीज के लिए नहीं। हालेलुया। यशायाह 12 का हम 4 पढ़ेंगे, यशायाह 12 का 4 पढ़ेंगे हम लोग। सब लोग निकाल लेंगे अपने बाइबल में। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। यशायाह 12 का 4 में देखेंगे क्या लिखा है। उस दिन तुम कहोगे, यहोवा की स्तुति करो, उससे प्रार्थना करो, सब जातियों में उसके बड़े कामों का प्रचार करो और कहो कि उसका नाम महान है। आमीन, हालेलुया। बाइबल में लिखा है मेरे प्रियो, 12 के 4 में लिखा है कि जब देखते हैं इसमें लिखा है, उस दिन तुम कहोगे यहोवा की स्तुति करो, उससे प्रार्थना करो, सब जातियों में उसके बड़े कामों का प्रचार करो और कहो कि उसका नाम महान है। मतलब सबको बताना है कि वो क्या है, कैसे है, उसका उद्देश्य क्या है, सबको ये बताना है। इसलिए परमेश्वर ने हमें बनाया है मेरे प्रियो। उसका उद्देश्य यही है कि हम जाति जाति के लोगों को बताएं, जो लोग नहीं जानते हैं, जो लोग नहीं पहचानते, शायद उनका जो सोच होगा, शायद उनकी जो प्रतिक्रिया होगी वो गलत होगा, मगर आपका काम है कि आप परमेश्वर के बारे में लोगों को बताना है। हालेलुया। आप परमेश्वर के बारे में लोगों को सिखाना है, उसकी महिमा का वर्णन सिखाना है, उसके नाम को आपको बताना है मेरे प्रियो। तब आप आपके जीवन में आप सफल एक उद्देश्य के बारे में जान सकेंगे। एक बार दोबारा पढ़ेंगे 12 का 5 हम क्या लिखा हुआ है, 12 का 4 क्या लिखा हुआ है। उस दिन तुम कहोगे यहोवा की स्तुति करो, उससे प्रार्थना करो, सब जातियों में उसके बड़े कामों का प्रचार करो और कहो कि उसका नाम महान है। आमीन, हालेलुया। तो यशायाह 12 के 4 को जब हम देखते हैं, अद्भुत रीति से ये वचन में लिखा गया है। और मत्ती 28 का 19-20 भी हम एक बार देख लेंगे जल्दी से अपने बाइबल में निकाल के कि क्या लिखा गया है। मत्ती 28 का 19-20 हम देखेंगे। सब लोग निकाल लेंगे अपने अपने बाइबल में 28 का 19-20। हाँ जी। इसलिए तुम जाओ, सब जातियों के लोगों को चेला बनाओ और उन्हें पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दो और उन्हें सब बातें जो मैंने तुम्हें आज्ञा दी है मानना सिखाओ, और देखो मैं जगत के अंत तक सदा तुम्हारे संग हूँ। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। तो देखिए वचन भी हमें किस रीति से जो यहाँ पे मत्ती 28 का 19-20 में लिखा है कि इसलिए तुम जाओ, सब जातियों के लोगों को चेला बनाओ और उन्हें पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दो और उन्हें सब बातें जो मैंने तुम्हें आज्ञा दी है मानना सिखाओ, और देखो मैं जगत के अंत तक सदा तुम्हारे साथ रहूंगा। तो मेरे प्रियो, ये मामूली चीज नहीं है जो परमेश्वर ने हमें बनाया और हमें ऐसे ही रख दिया, ऐसे ही हमें छोड़ दिया। परमेश्वर ने उसका जो उद्देश्य है बहुत बड़ा है, उसकी जो योजना है हमारे लिए बहुत बड़ी योजना है मेरे प्रियो, जो उसको हमें समझना है, उसकी योजनाओं को
और हम जब चौथी जो चौथे पॉइंट को देखते हैं मेरे प्रियो, इसमें लिखा है कि परमेश्वर ने हमें इसलिए भी बनाया है, इसलिए परमेश्वर ने हमें जो बनाने का उद्देश्य कि हमारे अंदर उसने जो टैलेंट दिया, जो खूबी दिया है मेरे प्रियो, परमेश्वर ने आप हम सब जो बनाए गए खूबी के साथ, एक टैलेंट के साथ हम सब बनाए गए हैं मेरे प्रियो। और परमेश्वर उस हमें हर समय हमारे अंदर जो खूबी है, जो टैलेंट है हमारे अंदर, वो हर समय हमें बढ़ाते रहना है, वो हमें हर समय हम उसमें बढ़ते जाना है। जो भी टैलेंट आपको दिया गया है, जो उद्देश्य आपको दिया गया है, उसमें हम सब बढ़ते रहना। रोमियो और उसका 12:4-8 देखेंगे, रोमियो की किताब 12:4-8 में हम देखेंगे क्या लिखा है। क्योंकि जैसे हमारी एक देह में बहुत से अंग हैं और सब अंगों का एक एक हिस्सा काम नहीं, वैसा ही हम जो बहुत हैं मसीह में एक देह होकर आपस में एक दूसरे के अंग हैं। जबकि उस अनुग्रह के अनुसार जो हमें दिया गया है, हमें भिन्न भिन्न वरदान मिले हैं, तो जिसको भविष्यवाणी का दान मिला हो वह विश्वास के परिमाण के अनुसार भविष्यवाणी करे। यदि सेवा करने का दान मिला है हो तो सेवा में लगे रहो, यदि कोई सिखाने वाला हो तो सिखाने में लगे रहो, जो उपदेशक हो वह उपदेशक उपदेश देने में लगा रहे, दान देने वाला उदारता से दे, जो अगुवाई करे वह उत्साह से करे, जो दया करे वो हर्ष से करे। आमीन, हालेलुया। तो परमेश्वर ने हमारे अंदर एक और चीजों को दिया है, जो एक खूबी, जो टैलेंट को भी हमें परमेश्वर ने हमारे अंदर बनाया है, हम उसके द्वारा उसमें बनाए गए हैं मेरे प्रियो। ये सब हमारे अंदर परमेश्वर ने दिया है और बहुत सारी चीजों को परमेश्वर ने दिया है, लेकिन इंसान फिर भी उसमें कुछ ना कुछ मिक्सअप करने के लिए वो सोचने लगा और उसने उसके अंदर बहुत सारी चीज मिक्सअप करने लगा, बहुत सारी चीजों को उसको लगा कि मेरे पास नहीं है और वो उसको उसकी ढूंढ उसकी खोज में निकल पड़ा। और बहुत सारी चीजें मेरे प्रियो, जैसा कि हम देखते हैं कि परमेश्वर का जब रोमियो 4:8 में कि जो जिसको जो मिला है वो उसमें लगा रहे, क्योंकि सब जो शरीर है उसका जो काम है, अगर हाथ का काम केवल हाथ ही कर सकता है, आंख का काम केवल आंख ही कर सकता है, नाक का काम केवल नाक कर सकता है, और जो सर का काम, जो ब्रेन का काम है, केवल ब्रेन ही कर सकता है, और जो हमारे जो इंटरनल जो भी ऑर्गन है, वो ऑर्गन का काम जो ऑर्गन ही कर सकता है, वो हमारा स्किन नहीं कर सकता मेरे प्रियो, हमारा नाक नहीं कर सकता, या हाथ का काम हमारा आंख नहीं कर सकता। सबको एक अलग तरीके से खूबी परमेश्वर ने दिया, लेकिन इंसान आज वो सोचता है कि मेरे अंदर ये कमी है, मेरे अंदर वो कम है, और उसको पाने के लिए मेरे प्रियो वो कई बार कोशिश करता है। हालेलुया, हालेलुया। और सबसे बड़ी चीज, एक और जो आखिरी चीज हम देखेंगे कि हम अपने आप को, जो हमारी भूमिका है जो यीशु मसीह में, वो हम कम नहीं करना है अपने जीवन में। हालेलुया, उसको हम अपने जीवन में कभी भी कम नहीं करना है। हमारे अंदर जो परमेश्वर ने जो भूमिका दिया है उसको कभी भी हम अपने जीवन में कम नहीं करना है। आमीन, हालेलुया। क्योंकि शरीर कई अलग अलग हिस्सों से बना है। हालेलुया, जैसा हम रोमियो 4:8 में पढ़ते हैं और पहला कुरंथियों 12:12-27 में जब हम देखते हैं, तो इसमें देखेंगे जब हम, तो बहुत सारी चीजों को, पहला कुरंथियों जैसा कि अभी हमने पढ़ा रोमियो की पुस्तक में उसके 12:4-8 में हमने जो पढ़ा, और हम देखते हैं उसी तरह हम पहला कुरंथियों 12:12-27 में हम पूरा नहीं पढ़ेंगे, एक दो वचन को पढ़ेंगे। तो पहला कुरंथियों उसका 12:12 से देखेंगे, 12:27 से देखेंगे, क्योंकि आप लोग घर में पढ़िएगा। इसमें एक देह और एक अंग के विषय में लिखा है, क्योंकि जिस प्रकार देह तो एक है और उसके अंग बहुत से हैं, उस एक देह के सब अंग बहुत होने पर भी सब मिलकर एक ही देह हैं, उसी प्रकार मसीह भी है।
आमीन हालेलुया। तो यहाँ पे हम सभी महत्वपूर्ण हैं, हर एक लोग, हर एक चीज, हाथ भी महत्वपूर्ण है, मुंह भी महत्वपूर्ण है, नाक, आंख, सब चीज महत्वपूर्ण है। अगर कहे कि मैं किडनी बिना पूरा शरीर फंक्शन हो जाए तो नहीं हो सकता, लीवर बिना पूरा शरीर फंक्शन हो जाए तो नहीं हो सकता। मेरे प्रियो, सब महत्वपूर्ण चीजें हमारे शरीर में, इससे फर्क नहीं पड़ता कि आप शरीर के किस हिस्से में है या आपके पास क्या उद्देश्य है। आमीन हालेलुया। ये आपको ये फर्क नहीं पड़ता है कि आपके जो आपका जो उद्देश्य है क्या है। आमीन हालेलुया हालेलुया हालेलुया। कि आप किस हिस्से के हैं, मतलब इस दुनिया में आप कैसे हैं, परमेश्वर ने आपको कैसा बनाया है। कभी कोई कहता है मुझे परमेश्वर ने क्यों ऐसा बनाया, मुझे क्यों गरीब बनाया, मुझे परमेश्वर ने क्यों ऐसे घर में पैदा किया जहां कुछ भी नहीं है। मैं बढ़िया से अंबानी के घर में पैदा हुआ होता तो कितना बढ़िया था। हालेलुया हालेलुया। सब यही सोचने लगेंगे अंबानी के घर में पैदा होना था तो फिर तो मुश्किल हो जाएगा। एक अंबानी के लिए पूरी दुनिया को फिर अगर सोचने लगे ऐसे तो कैसे हो सकता है, नहीं हो सकता है मेरे प्रियो। तो परमेश्वर ने हर एक को उद्देश्य के लिए बनाया। अगर मुझे दिल्ली में रखा है, दिल्ली में रखा है, या आपको कहीं और रखा है, या आप कहीं और पे हो, तो सबके लिए एक उद्देश्य है। अगर किसी के लिए किराए पे है, कोई अपना है, कोई छोटा काम करता है, कोई बड़ा काम करता है, सबके लिए एक उद्देश्य है। कोई सफाई काम करता है, कोई लिखने पढ़ने का, कोई टीचर है, कोई डॉक्टर है, सबके लिए अपना अपना काम है मेरे प्रियो। अगर सब सोचे मैं डॉक्टर ही होता तो बाकी काम कौन करता, अगर सब सोचते कि मैं इंजीनियर ही होता तो बाकी काम कौन करता। तो सबके लिए उद्देश्य है। तो सबसे पहले जो पहला उद्देश्य है परमेश्वर का, जो बाइबल बताती है, दाऊद राजा भी कहते हैं इस बात को कि परमेश्वर की महिमा करने के लिए मनुष्य को बनाया गया है। और जो जो परमेश्वर ने उनके जीवन में, जो जो परमेश्वर ने उनके साथ बनाया है, उस चीज में हमें आगे बढ़ना है, उसको हमें कम नहीं करना है, घटाना नहीं है। मुश्किलें तो बहुत चीजों के आपके सामने फेस होने के लिए आएंगी, मगर आपको इस विषय के लिए ध्यान रखना, इस बात को ध्यान रखना है कि आप परमेश्वर के द्वारा बनाए गए एक असाधारण चीज हो, एक असाधारण मनुष्य हो, लेकिन परमेश्वर ने आपको सबसे बहुमूल्य बनाया है मेरे प्रिय। आपको जो काम सौंपा है वो सबसे बहुमूल्य काम है। एक जीवित परमेश्वर के हाथों की आप रचना हो मेरे प्रियो, एक जीवित परमेश्वर आपको इस्तेमाल कर रहा है मेरे प्रियो, ये सबसे बड़ी बात है। शायद कोई आपको कितना भी बुरी नजर से देखे, शायद आपको कोई इतना बुरी नजर से देखे, शायद सोचे कोई ये तो निर्धन है, गरीब है, इसके पास कुछ नहीं है, लेकिन याद रखिए आप एक जीवित कलाम को लेके चल रहे हो मेरे प्रियो, जीवित वचन को लेके चल रहे हो। जो आपके पास है वो उसके पास नहीं है। उसका जो चीज है इस दुनिया में नष्ट हो जाएगा मेरे प्रियो, इस दुनिया में वो काम भी नहीं आएगा। जो आपके पास है वो आपके अनंत जीवन के लिए है मेरे प्रियो। परमेश्वर ने उस उद्देश्य के लिए आपको बनाया है कि आप उसके साथ हमेशा रहो। ये हम तो इस दुनिया में परदेसी होकर आए मेरे प्रियो, इस बात को हमें बहुत ही अच्छी तरीके से जानना है मेरे प्रियो कि कब हमारी सांसें बंद हो जाएं और कब हम इस जो घमंड करने वाले शरीर के ऊपर जो हम घमंड करते हैं हम इससे अलग हो जाएं, कब ये हमारा साथ छोड़ दे मेरे प्रियो। तो हम ज़्यादा हम अपने ऊपर अपनी योजनाओं को नहीं बनाना है, परमेश्वर पे विश्वास करना है, परमेश्वर पे हम घमंड करना है, परमेश्वर के नाम को महिमा करना है। आमीन हालेलुया। तो हमें इस बात को ध्यान रखना है कि हमारा जो जीवन का उद्देश्य क्या है और किसने हमें बनाया है, उसने किस उद्देश्य से हमें बनाया, हमेशा हमें ये याद रखना है, उसको हमें भूलना नहीं है। और जिस उद्देश्य के लिए हम बने हैं वही करें, नहीं तो अगर आप गिटार की जगह पे उसको आप तीर कमान की तरह इस्तेमाल करोगे तो वो कभी भी उस तरह से काम नहीं आ पाएगा मेरे प्रियो। जिंदगी भर आप उसको करते रहोगे, तीर कमान चलाते रहोगे, वो कभी नहीं हो पाएगा। लेकिन आप अगर गिटार है तो उसको बजाने के लिए आप अगर इस्तेमाल करोगे तो ज़रूर वो चाहे टेढ़ा बजे, चाहे मेढ़ा बजे, चाहे जैसा बजे, चाहे धुन में बजे, चाहे जो बिना धुन के बजे, लेकिन बजेगा ज़रूर मेरे प्रियो। हालेलुया, बजेगा जरूर वो, क्योंकि वही उद्देश्य के लिए वो बनाया गया है। और एक दिन परमेश्वर अपने उद्देश्य को जब वो पूरा करेगा, वो कहता है मैं तुम्हें मीरास दूंगा, शिरोमणि बनाऊंगा, मैंने तुम्हें पूछ नहीं बनाया, मैंने तुम्हें सिर बनाया है।
आमीन हालेलुया। तो जिस चीज के लिए, जो चीज के लिए आप बने हो, उसी के लिए आगे चलते रहिए। प्रभु आपको बहुत आशीष करे, गॉड ब्लेस यू। प्रभु आपके जीवन में भलाई कार्य करे और आपको हमेशा प्रभु के ऊपर विश्वास करना, अपने बनाने वाले के ऊपर। आइए आंखों को बंद कीजिए, हम प्रार्थना करते हैं। हमारे जीवित परमेश्वर, राजाओं के राजा प्रभु, धन्यवाद कि आपने हमारे बन उद्देश्य के लिए हमें जताया कि हम किस लिए बने हैं। प्रभु क्या उद्देश्य हमारे लिए आपने, क्या उद्देश्य रखकर आपने हमें बनाया है। प्रभु धन्यवाद करते हैं प्रभु इस वचन के लिए कि आपने हमें अच्छे से ये वचन को समझाया प्रभु, और आशीष किया परमेश्वर और पिता हमारे जीवन में। प्रभु हम जब उद्देश्य के साथ चलेंगे, कोई भी हमें नहीं रोक सकता परमेश्वर। और पिता आपने जहां हमें ठहराया है प्रभु, और प्रभु जिस लिए चुना है प्रभु, आप इस्तेमाल कीजिए परमेश्वर हर एक को, और हर एक को प्रभु वो समझ दीजिए, वो बुद्धि दीजिए, ताकि वो अपने उद्देश्य को जान सके परमेश्वर, और अपने परमेश्वर रचनाकार को अच्छे तरीके से जान सके जिसने उसे बनाया है प्रभु, और अपने आप को वो सही हाथों में देने पाए, ना कि परमेश्वर वो गलत हाथों में देने पाए, जो कि उसका आकार बिगाड़ दे, उसका आकार खराब कर दे प्रभु। ऐसे हाथों में दे प्रभु जो उसको बना दे, और जब वो बने तो एक सुंदर परमेश्वर आकृति बन जाए मेरे पिता। धन्यवाद करते हैं सारे लोगों के लिए, मैं प्रार्थना करता हूँ, आशीष करता हूँ, सुनने वाले देखने वाले प्रभु परमेश्वर पिता आपके हाथों में सौंपता हूँ, यीशु के नाम से मांगते हैं, आमेन और आमेन, 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 हालेलुया। मेरे प्रिय परमेश्वर के लोगों, आप देख रहे हैं डिवाइन पावर मिनिस्ट्री का जो ये फेसबुक चैनल, और आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए लोगों तक, ताकि ये इस उद्देश्य को हम उन तक पहुंचा सकें, और इसको आप अपने जीवन में भी लागू कीजिए, और इसको आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाइए, ताकि वो लोग के जीवन में भी परमेश्वर का उद्देश्य वो जान सके। हमारा यूट्यूब चैनल डिवाइन पावर मिनिस्ट्री, उसको भी आप लोग लाइक कीजिए, शेयर कीजिए लोगों तक, और सब्सक्राइब कीजिए, परमेश्वर के नाम की महिमा होने पाए। सबको गॉड ब्लेस यू, सबको जय मसीह की, और प्रभु में बने रहिए।